हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मोटर एम्पायर फैमिली में आप सबका स्वागत है। ये मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे साथ मेरी इस नई जर्नी में पूरा साथ देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन बनता है। तो जी, मैं हिमांशु, मैं एक IT स्टूडेंट हूँ BTech का, जो कि मेट रोहिणी से अभी अपनी BTech कम्प्लीट कर रहा हूँ। और ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए, जैसे अभी मैंने न्यू तो नहीं बोलूंगा, मतलब 1.5 साल हो गया मेरे को महिंद्रा XUV300 W8 ऑप्शनल मैनुअल डीजल वेरिएंट यूज करते हुए। बड़ा नाम है तो पूरा तो बताना पड़ेगा, चैनल है। तो पहले मैंने धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू किया और मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ता गया। तो कार्स के बारे में पहले बचपन में भी शौक था, पर अब क्योंकि जनरली आप ट्रेंड आजकल चल ही रहा है मोटो ब्लॉगिंग का, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसमें भाग ले, हम भी इस रेस का एक घोड़ा बनते हैं। अब देखते हैं हम कितना आगे जाते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। तो अब सीधा टॉपिक पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन खत्म, अब मेन कंटेंट की बात करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला वीडियो होगा मेरे चैनल का, पहला वीडियो मैं बनाऊंगा अपनी गाड़ी के ऊपर। अपनी गाड़ी जैसे पूरी कंप्लीट हो चुकी है 20,000, तो मैंने इसकी सर्विस बिल्कुल टाइम टू टाइम कराई थी, जो कि मैंने कराई थी 20,081 किलोमीटर पे। और कंपनी के द्वारा 3 सर्विस फ्री जाती है, जो कि एक 10,000 पे होती है, 20,000 पे और एक 30,000 पे। तो मैं आप सबसे अपने सेकंड सर्विस का ओनरशिप एक्सपीरियंस और रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। इन शॉर्ट आज का वीडियो एक शॉर्ट रहेगा, बाकी मैं आप सबके लिए अभी एक रिव्यू वीडियोस भी लाने वाला हूँ जल्द। जितने मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स के पास कार्स है, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और उनका मैं जरूर एक ओनरशिप रिव्यू लाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने 20,081 पे इसका सेकेंड सर्विस करवाया, और आप मानेंगे नहीं कि मेरा इतना अच्छा महिंद्रा वालों के साथ सर्विस एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी कार इंद्रप्रस्थ ऑटोमोबाइल वजीरपुर में करवाई थी सर्विस। मैं एक्चुअली वहीं जाता हूं क्योंकि वो मेरे घर से काफी पास पड़ता है। आपको पूरा इसका कॉस्ट बताता हूं कि सर्विस में मेरा कितना खर्चा आया, और फिर उसके बाद मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि क्या क्या अपनी गाड़ी में चीजें बदली गई है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अपनी गाड़ी में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो ये अपनी थर्ड फ्री सर्विस थी, तो इसमें इंजन ऑयल बदला गया जो कि 2600 रुपीज का था। उसके बाद ऑयल फिल्टर बदला गया, ऑयल फिल्टर की कॉस्ट थी 380 रुपीज। सिमिलरली अपना AC फिल्टर भी बदला गया, जो कि था 350 रुपीज का। अच्छा, उसके अलावा अपना एयर फिल्टर बदला गया, जो कि 750 रुपीज का था, है ना। और उसके अलावा अब मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग जो भी चीजें होती है वो कंपनी से कराऊं। हालांकि बाहर भी बंदे सही करते हैं, बट मेरा जो ट्रस्ट है वो कंपनी पे रहता है। तो और देखो, 2,500 के पीछे बाहर से कराना और नई नवेली गाड़ी में कुछ हो जाए तो सबको पता ही है कि वो फिर अंदर से मतलब लगता भी है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने जो इसकी व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग का टोटल पे करा वो 1800 रुपीज था। तो ओवरऑल जो मेरी कॉस्ट आई थी वो 5700 के करीब आई थी। तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ ब्रेकडाउन करके ईच पार्ट का, कि ईच पार्ट का कितना कॉस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ व्हील अलाइनमेंट चार्जेस। तो व्हील अलाइनमेंट चार्जेस थे 750 रुपीज। सिमिलरली जो व्हील बैलेंसिंग थे, जो कि चारों टायर की थी, तो वो था 165 रुपीज पर टायर। अच्छा, उसके अलावा व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट मैंने फर्स्ट सर्विस में भी, वेयर एज सेकेंड सर्विस में भी, वो भी मैंने करवाया था कंपनी के थ्रू। तो उसमें क्रिस क्रॉस एंड जो चेंजिंग होता है वही हुआ था इसमें नॉर्मल। अच्छा उसके अलावा मेरे को कंपनी वालों ने ये भी बताया था, जो उनके एडवाइजर थे वो बड़े ही अच्छे बंदे थे, उन्होंने मेरे को एक चीज और बताई थी कि एक स्टेबलाइजर रॉड करके चीज होती है, वो भी कार में डलेगी। और उन्होंने ये चीज बोली थी कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो महिंद्रा वाले फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेंगे, जो कि उन्होंने की। तो बस इस चीज से रिलेटेड, सिमिलरली महिंद्रा वाले बहुत ही अच्छे हैं, अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते। देखो, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी होती है कभी कभार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम कंट्रोवर्सी में क्यों पड़े, अपनी तो भाई पहली वीडियो है, पता चले पहले दिन ही कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं पड़ेंगे। मतलब मैं मेन ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस दूंगा तो मैं 9 स्टार्स दूंगा, 10 इसलिए नहीं क्योंकि भाई कोई चीज कभी परफेक्ट हो नहीं सकती, ना कभी है। तो इसलिए 9 स्टार पूरे मेरी तरफ से महिंद्रा वालों को। वॉशिंग वगैरह की बात करूं तो वो भी परफेक्ट थी। मैंने जो जो डाउट बताया वो मेरे को एग्जैक्टली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए। मतलब किसी चीज में ऐसी नहीं थी कि जल्दबाजी मचा रही हूँ कि हाँ भाई करके फटाफट दे दो, नहीं, बहुत अच्छे से। उसके अलावा महिंद्रा वाले पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल करते हैं, पर मेरा मानना है कि मैं पहले जाके खुद ही गाड़ी लेके जाऊं, खुद ही वापस लेके आऊं, ताकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहे मेरे को कि हाँ भाई जो काम मैंने इनको बोला था और जो इन्होंने मेरे को बताया वो सच से हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, मैं सर्विस कराने से पहले अपने होम टाउन गया था मध्य प्रदेश, तो वहां पे मैंने काफी 1100 किलोमीटर का मेरा वो पूरा ट्रिप था फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली रिटर्न।
तो अब थोड़ा हम विलेज के इलाके में भी गए, तो अब आपको आप जान ही सकते हैं वहां सड़कें भी छोटी छोटी होती है, कहीं एक जगह मेरी गाड़ी कीचड़ में भी फंसी थी, पर क्योंकि ये महिंद्रा की गाड़ी है और इसमें पावर अच्छी है, आप लोग जानते ही हैं सबसे ज्यादा पावर इस सेगमेंट में इस गाड़ी में ही है, तो आराम से निकल गई। बाकी आप लोग फिर समझ ही गए होंगे जैसे मैंने आपको चीजें बताई कि गाड़ी फंसी भी, और क्योंकि गांव के इलाके भी थे तो अब आप लोग समझ जाइए कि गाड़ी को कितनी जरूरत थी सर्विस की। उसके बावजूद इसका परफॉर्मेंस एक नंबर रहा, एक नंबर, मैं ये आराम से बोल सकता हूँ। और डीजल लेने का मेन मकसद मेरा यही था कि रनिंग तो अपनी हो ही जाती है आजकल। अब आप देखिए मैंने 1.5 साल में इस गाड़ी को 20,545 चला लिया है, और अब होप करेंगे और आगे मैं ट्रिप इससे करता रहूं। अब आती है इसकी माइलेज की बारी। देखो सबसे पहले माइलेज पे दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक होती है रफ ड्राइविंग और एक होती है स्मूथ ड्राइविंग। अब अगर आप रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे अपने यहाँ पे रोड्स तो बहुत ही तगड़े बनते जा रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम हुआ है रोड्स में, पूरे इंडिया में काम अच्छा हो रहा है पर रोड्स में सबसे बेस्ट काम हो रहा है। अब आप देखिए बॉम्बे एक्सप्रेस वे बनी गया है जयपुर तक, उसके आगे का भी काम चल रहा है, अपना मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया है। तो जी मैं तो हालांकि जो पुराना आगरा वाला रूट था मैं उससे गया, उस पे हालांकि ट्रक्स वगैरह ज्यादा है पर फिर भी मेरे को उस एक्सप्रेस वे पे पूरे 23 का माइलेज मिला इस गाड़ी में। वेयरहाइज एक बार मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे इसको ले गया था, स्मूथ ड्राइविंग मेरे को इस पे 25 तक का माइलेज मिला हुआ है। तो वही है, अगर आप अपनी गाड़ी 70-85 और 90 के बीच में कॉन्स्टेंट क्रूज कंट्रोल पे चलाते हैं तो अच्छे से अच्छा माइलेज मिलेगा। वेयरहैज अब अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हैं, वैसे तो ओवर स्पीड करना नहीं चाहिए पर जो बंदे करते हैं तो सीधी बात है यार, कोई गाड़ी ले लो आप, माइलेज तो गिरेगा ही, तो बस इसी बात पे माइलेज बेस्ड है। बाकी माइलेज मेरे को बहुत तगड़ा मिल रहा है सिटी में भी अच्छा मिल रहा है, 15 से 15.5 से 16 तक मिल रहा है मेरे को, ऐसी बात नहीं है। हालांकि अब आप देखिए रह भी दिल्ली में रहा हूं, तो दिल्ली में तो आपको पता ही है कि छोटे छोटे रस्तों में ट्रैफिक लग जाता है, तो गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है यहाँ पे। और अभी भी मैं ये वीडियो गाड़ी के अंदर बैठ के एसी चला के शूट कर रहा हूं क्योंकि बाहर भयंकर गर्मी है भाई, बाहर निकला नहीं जाएगा, वो सिर्फ थंबनेल शूट करने के लिए बाहर गया था। तो भाई मेरा मतलब ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हाँ मैं आप सबसे थोड़ा खुल के बात कर पाऊँ पहली वीडियो में मेरी, और होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जो जो चीजें मैंने बताई। अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कोई चीज मिस कर दी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मेरे को ये बताइए जरूर कि मैंने क्या मिस करा है, और मैं उसको बिल्कुल एक और वीडियो में लाके एक्सक्लूसिव उसका वीडियो बनाऊंगा इसके साथ मतलब ये वीडियो होने के बाद मैं एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा कि हाँ भाई मेरे से ये चीज छूट गई बतानी, तो मैं आपको वो जरूर बताऊंगा। तो गाइज होप करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, बात पे कर दीजिए मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और जी बेल आइकन जरूर दबा लेना। उसके अलावा रुको गाइज, मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक पेज है मोटर एम्पायर नाम से, उसका मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।